अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है। छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं है और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा, इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे, बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार मोहब्बत मिलीजुली संस्कृति आपस में भाईचारा उसका दौर शुरू करेगा। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा। अब तो महफिल यूपी में ही सजनी, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनाई, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट? हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने?